हेलो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम पर्पल ऑर्किड हाउस को देखते हैं जहाँ सभी लोग बैठे हुए होते। वेजवांग कहता है, अगर हमें जीवों से छुटकारा पाना है तो हमें पहले उसके नुकीले पंजों को काटना होगा। हनफे कहता है, नाइटफॉल के चार योद्धा हैं। जांगलियांग कहता है, वो चारों जीवों के सबसे खास आदमी है। तभी मिजनू उनके नाम बताती है, ब्लड मर्क्यूस, एमराल्ड टाइगर, टाइड एंचेंट्रस और क्लॉकमैन। हनफे कहता है, पर्पल ऑर्किड हाउस ने उन्हें अच्छे से देखा होगा। तो मिस जुनू कहती है, वाइन और लड़कियों के साथ ही पर्पल ऑर्किड हाउस सभी गुप्त सुनने की जगह है। हनफे कहता है, चारों की क्या का काम है। विजवांग कहता है, ब्लड मर्क्यूस के पास 1 लाख सेना है, एमराल्ड टाइगर के पास अकल्पनीय धन है। तभी मिस जुनू कहती है, टाइड एंचेंट्रस आपके पिता की प्रिय रानी है, आपके पिता उनकी बात कभी नहीं टालते। हनफे कहता है, और क्लॉकमैन क्या करता है। तो वेजवांग कहता है, वो खुफिया जानकारी और निगरानी में करने में माहिर है। तभी हनफे खाने का एक टुकड़ा उठाकर खाने लगता है। तभी हनफे कहता है, क्या आप इसके बजाय मिस जुनू को घूर सकते हैं, वो अधिक देखने लायक है। वेजवांग कहता है, क्या आपको पता है कि नाइटफॉल ने कितने विरोधियों को मारा है, मुझे आशा है कि आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। हनफे कहता है, हाँ मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तभी वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। काफ़ी देर घूरने के बाद वेजवांग अपना मुंह हटा लेता है। तो हनफे कहता है, आप हार गए। तभी मिस जुनू कहती है, आप कितने पागल हैं। जांगलियांग भी हंसता है। वेजवांग कहता है, आपकी क्या योजना है। हनफे कहता है, हमें एक जोड़ी विशेष आँखों की ज़रूरत है, कोई है जो आपको सही लग रहा है। तो मिस जुनू कहती है, शायद एक है। ऐसा कहते ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम जनरल को देखते हैं और उसके सामने एक इंसान होता है, उसका मुंह ढका हुआ होता है। तभी जनरल उसे कहते हैं, मैंने जो कहा वो सब समझ में आया। वो आदमी कहता है, हाँ जनरल। जनरल कहते हैं, अगर तुमने वो काम कर दिया तो मैं तुम्हें एक बड़ा इनाम दूंगा, मैं तुम्हें इसे दूंगा, क्या सोचते हो। वो आदमी कहता है, नहीं जनरल, जो चीज़ आपकी है मैं उसे नहीं ले सकता। तो जनरल हंसने लगता है और उसे जाने के लिए कहता है। फिर से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाई फेंग और मोया छत पर बैठे हुए होते हैं। मोया कहता है, अब आज रात होने वाली है, यह अब हमारा वक्त है। बाई फेंग कहता है, फिर से एक और इंसान की जान जाएगी। मोया कहता है, हर जगह हर मिनट कोई ना कोई मरता रहता है। बाई फेंग कहता है, पर मुझे आश्चर्य है कि आज कौन जाने वाला है। मोया कहता है, उन्होंने वही चीज़ की होगी जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, जनरल से शत्रुता करना। ज़्यादा मत सोचना, यह सिर्फ एक नाम है जो हमारी सूची में आ गया है। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि एक लड़की गिटार बजा रही होती है। हनफे उसके धुन में खो जाता है। कुछ देर के बाद वो बजाना बंद कर देती है। तो जांगलियांग कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस संगीत का नाम टीयर्स ऑफ द सी है। तो मिस नोंग्यू के तभी हनफे कहता है, समुद्र मोती के आंसू, माधुर्य और दुख की रचना, क्या पहले आपके साथ कुछ हुआ था। तो मिस नोंग्यू कहती है, प्रिंस तो बहुत ही गहरी सोच कर रहे हैं, मैंने बहुत ही कम उम्र से संगीत बजाना सीखा है, इसलिए अब जब भी बजाती हूँ तो कुछ यादें हमेशा मुझे याद आती है रहती है। हनफे कहता है, अग्निवर्षा करने वाला यह रत्न बहुत ही रेयर है, आपको यह कहाँ से मिला। तो मिस नोंग्यू कहती है, ये मेरे पिता की आखिरी निशानी है। तभी हनफे कहता है, क्या आपके पिता ने बेयू की यात्रा की है। पर तभी मिस जिनू कहती है, प्रिंस हनफे, आपसे कुछ भी नहीं छुप सकता, क्या आपको लोगों को अपना अतीत थोड़ा और छिपाने नहीं दे सकते। हनफे कहता है, मुझे माफ़ करना। तभी बाहर से आवाज़ आती है, उसे जल्दी बाहर लाओ, तुम्हें पता नहीं कि मैं कौन हूँ, मैं युद्ध मंत्री हूँ। तभी एक लड़की मिस जुनू के पास आती है और कहती है, ये लॉर्ड लियू है, वह नशे में है और नोंग्यू को बुला रहे है। मिस जुनू कहती है, मैं अभी आती हूँ। और वो नोंग्यू से कहती है, तुम यही रुको, मैं उन्हें संभालूंगी। फिर वो हनफे से भी कहती है, प्रिंस मैं अभी आती हूँ। हनफे कहता है, कोई बात नहीं, आप जा सकती है। उसके बाद मिस जुनू वहाँ से चली जाती है और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है।